भारत सहित पूरे विश्व में कोविड 19 के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। भारत के सभी सांसदों, राष्ट्रपति सहित अन्य कर्मचारियों और देश के सामान्य नागरिकों ने देश को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी दान की है। ऐसी भयंकर स्थिति में हर किसी के मन में ये बात उठ रही है कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की संभावना से इनकार किया है। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। इस कारण बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसके लागू होने के प्रभाव क्या होते हैं और इसको कौन लागू कर सकता है। आइए इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है, जिनमें कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी शामिल है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। आइए अब बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की जाती है। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वो केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जा सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 महीने के अंदर ही इसको संसद के लिए दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता। इसके 2 प्रावधान हैं। इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। दूसरा, इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव हो सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वो किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या फिर अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जाता है। राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन 2 व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी करने का निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें कि संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या फिर किसी भी वर्ग के लोग हों और दूसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कि राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरे वाली स्थिति होती है। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए इस समय भी सरकार को सोचकर समझकर फैसला लेना चाहिए। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें और अपने फीडबैक को हम तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यूं ही देखते रहें chakranjosh.com।